Lord Krishna so much in your real बहुत सालों तक अपने फैमिली से अच्छे से टाइम से मिल नहीं पाता हूँ. जाता हूँ तो शायद एक दिन दो दिन में वापस आना पड़ता है. बट दे अंडरस्टैंड, उन्हें पता है कि क्यों ये सब हो रहा है, क्यों ये अवेलेबल नहीं है. They've always been supported my whole family, so I'm grateful for that. Janmashtami ki jab bhi hum baat karte hain to ek point ke baad, when I was in my teens, like 13, 14 years old something, us time pe Janmashtami aur sabhi festivals mere liye bahut special hua karte the, kyunki is time pe Pune mein kis na kisi type ke competitions hote the, dance competitions, local competitions kahin pe, to hum log wahan jaate the. तो हमें तो इसी की तलाश होती थी. व्हेन यू डांस और यू एक्ट और यू डू व्हाटएवर, आपको तो फिर तलाश होती है कहीं प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं अपना टैलेंट शोकेस कर सकूँ, हारूँ या जीतूँ बट एटलीस्ट कुछ सीख के वहाँ से बाहर निकलूँ. सो यही मेरे साथ भी हो रहा था. तो हम इन कॉम्पिटिशन्स का बहुत वेट करते थे. तो ये मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कि शायद यू नो ऑल दीज फेस्टिवल्स सब आर्टिस्ट के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सारे ऑर्गेनाइजर्स. फिर उसके बाद जब से मैं शो में आया हूँ तो तब से तो हर जन्माष्टमी लाइक इट्स बीन लाइक अ सर्विस टू ऑल द
का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ काम करने का कहीं अगर मुझे कुछ मिलता है, सो दैट्स समथिंग व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट बॉलीवुड और मराठी सिनेमा, वेर एवर द अपॉर्चुनिटी कम्स फ्रॉम, इफ आई लाइक इट, इफ आई बिलीव इन दैट कैरेक्टर, तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को वहां पे रोकूं. नहीं फिलहाल देखिए, पिछले 3 साल से मैं श्री कृष्ण का किरदार प्ले कर रहा हूँ, तो उसके बाद कोई और कैरेक्टर करने की सोचना, ये तभी सोच सकते हो जब आप उसके लिए एटलीस्ट रेडी हो या यू प्रिपेयरिंग फॉर इट, बिकॉज इट्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल फ्रॉम व्हाट एवर आई एम वॉचिंग ऑन टीवी. तो मुझे उससे पहले अच्छे से बाहर निकल के फिर कहीं कुछ करना है तो बड़ा करना पड़ता है. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग कि मैं श्री कृष्ण जैसा एक डिवाइन कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जिस मेरी का इसी का सवाल है आपके लिए, आपने अपने हेयर क्यों कट और एनी अदर मैं तो अपनी मम्मी का लाडला ही हूँ, तो मुझे तो बस बहाना चाहिए, मुझे जो मेरा जो फेवरेट है वो खाने का, तो जन्माष्टमी हो, मेरा बर्थडे हो, किसी और का बर्थडे हो, ठीक है, मैं को बोलता हूँ कि ये चीज़ें रेडी करो, मैं ये खाना चाहता हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे है मेरी विश लिस्ट, कुछ पापा को बोलता हूँ बाहर से मिठाई लाओ, मम्मी को बोलता हूँ फिर भी ये बना, तो वो चीज़ चलती है. बट इट्स बीन लाइक ईयर्स इन सब चीज़ों को, बहुत बहुत सारे first thing, the first question that I asked, that you asked, hey, how do I handle and how do I keep myself grounded? See, it's not like the first time I'm reaching some high, okay, in life. It's aisa nahi hai ki isse pehle ye type ka, is level ka mujhe kuch mila hai, aisa nahi hai. But pehli baar nahi hai jo mujhe thoda ek fame mila ya जैसे कहीं लगा कि थोड़ा मैंने सक्सेस ग्रास्प कर लिया, तो पहले भी मैंने ग्रास्प किया है, वहाँ पे अननोइंगली आ जाता है, ये जो हम कहते हैं ना हवा में उड़ना, ये अननोइंगली आता है, कोई जान के ये नहीं करता, उसे उसके अंदर अपने आप ये फीलिंग डेवलप होती है कि हाँ मैं कुछ बन गया, एंड इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग, आपको लगता है कि यार यस आई मेड समथिंग आउट ऑफ माई लाइफ, सो इट्स वेरी नॉर्मल, इट फील्स वेरी नॉर्मल, तब नहीं लगता ऐसा है. बट जब आप गिरने लगते हो ना तो लाइफ में वापस नहीं चलते, जब वो फेम जो आपने अचीव किया वो नीचे 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 आने लगता है, तब आपको रियलाइज होता है कि यस मुझ में आ गया था एक एटीट्यूड, मैं खुद को थोड़ा ज़्यादा समझ रहा था, आई हैव टू स्टे ग्राउंडेड. तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट एवरी टाइम यू इवन इफ यू नो, हर बार कुछ ऐसी चीज़ होती है एक सक्सेस के बाद जो आपको थोड़ा ऊपर ले जाती है, जहाँ पे आप ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हो जाते हैं. मैं भी हुआ था, मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं था. मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ग्रेजुअली मैंने रियलाइज़ की. जब फेम आया तो सबको लगता है कि यार यू नो ही इज़ गेटिंग एवरीथिंग दैट ही वांट्स, इवन आई फेल्ट कि मुझे सब मिल रहा है जो मुझे चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. व्हेन यू बिकम फेमस योर लाइफ चेंजेस कम्प्लीटली, ठीक है, तो जो लोग आपको जानते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग आपसे कई बार बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट उनको करना पड़ता है. यू नो आप में अगर कोई चीज़ है, अगर मेरा भाई है मुझे बोल सकता है सुबह तेरी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, बट ये लोग बोल नहीं सकते ना, बोलते तो बस चेहरे पे आपके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मिलते हैं प्यार से, और पीठ पीछे उनका इतना सम्मान इतना प्यार आपके नहीं होता, विच इज़ ओके, विच इज़ लाइक अ पर्क ऑफ बीइंग फेमस. हर एक चीज़ ये नहीं करती, आप 100 लोगों को नहीं जानते पर 100 लोग आपको जानते हैं, आपको हर जगह प्राइवेसी नहीं मिलती, आपको हर जगह अपने आप खुद बनने का ये नहीं था, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, स्पेशली मैं फील कर चुका हूँ यार, बहुत कैंडिडली आपसे शेयर कर रहा हूँ पे. मुझे सब लगता है कि मैं श्री कृष्ण का किरदार प्ले करने वाला एक एक्टर हूँ, तो मुझे खुलना पड़ता है कभी कभी, मैं 24 साल का लड़का हूँ, कुछ भी इतने क्रॉस है, मैं इतना मस्ती खोर हूँ या मैं इतना केयरलेस हूँ, मुझे वो सब भूल के ना उस क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन को मैच करने की कोशिश हमेशा मैं करता हूँ, ताकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता.
उम्मीद रखते हैं हर बार, तो वो एक चीज होती है। सेकेंड टाइम प्यार, देखिए प्यार तो आप टाइम हो नहीं हो, इंसान हो आपके साथ नहीं हो, प्यार तो दिल में होता है। तो आप काम करते करते भी आपके दिल में प्यार हो सकता है, आप सोते हो तो सपनों में भी आप जिनसे प्यार करते हो होते ही हैं, तो ऐसा तो कोई ये नहीं होता। हाँ अगर रिलेशनशिप की अगर आप बात करो तो ऐसा होता है कई सारी जगहों पर कि टाइम चाहिए, मिलना चाहिए, सब चीज़, विच इज़ ऑल्सो वेरी वैलिड, बट वो चीज़ के लिए हर किसी के पास शायद ये देखिए हम यहाँ मेरे सामने अभिजीत जी बैठे जो हमारे प्रोडक्ट फंड है, तो उनको दिखाने का मतलब ये है कि वो भी अपनी फैमिली से दूर बनाए बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, तो ये चीज होती है। सुमित कैन यू स्क्रॉल अप एंड रिप्लाई टू सम ऑफ द फॉलोअर्स बिकॉज़ दे वांट टू डू दिस कॉल देयर नेम्स एंड विश देम हैप्पी बर्थडे एंड ऑल ऑफ दैट। यस मैम थैंक यू। हेलो कायल सिंह, हाय हेलो, अब सबसे हेलो बोलिए, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। गोवा वाले बीच पे हैप्पी जन्माष्टमी दिवांशु देव ऑफिशियल, उम्मीद ब्राइट कह रहे हैं कि आपको देख के भूल जाते हैं, कोई बात नहीं आप फिर से याद कर लो। इफ समवन टेल्स यू टू मेक अ सीक्रेट फैन पेज वुड यू लाइक टू डू अ ट्राई इंटरेक्ट विद योर कॉमेडियंस? अरे देखिए ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैंने क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। अभी आज भी शूट से बीच में टाइम निकाल के यहाँ पे आऊँ, यहाँ से जाके मुझे आज याद की तरह शूट करना, इसके बाद चार कृष्ण ज्ञान हम शूट करेंगे उसके बाद सीन्स है वो, तो ये तो होता ही है, तो मैं कहाँ से ये सब पूरा पाती सोच पाऊँ बताइए। टेक माय नेम, हाय शुभी अंडरस्कोर 2251, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। चाय पी लिया आपने? नहीं, थोड़ा चाय मैंने बहुत कम की है पिछले कुछ चार दिन से, शायद मैंने एक भी चाय नहीं। Sumedians, yes, to all the fans, lots of words of love. जब आप कुछ भी करो कभी भी हार्ड, बट इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप मिलता नहीं है। मैंने एक बीच में पोएट्री लिखी थी, उसमें एक मैंने उस पोएट्री का नाम था मशहूर, उसमें एक सेंटेंस था, किसी मशहूर के जज्बात समझे नहीं जाते, मशहूर के जज्बात बस लिखते कुछ है जो है, कोई किसी चीज़ को लेकर नाराज होता है, लोग उस चीज़ से किसी और के साथ किसी चीज़ के साथ कंबाइन कर लेते हैं, इससे
वैसे प्रॉब्लम अगर एक पॉइंट के लोगों को सोल्यूशन तो सिर्फ यही होता है, यही होता है. तो आई थिंक सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब चीज अपने अंदर रखें. यू हैव टू डू इट, यू नो, नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ लीड्स, आपको करना पड़ेगा. फिर ऑप्शन लोग होते हैं लेकिन सपोर्टिव आपके आस पास. जब पता है कि यू आर नॉट हैविंग अ रियली गुड डे, योर हेल्थ इज नॉट फाइन, आपको एक ऑफ दिया जाता है इफ इट्स पॉसिबल. यू मस्ट ऑलवेज हैव सम पीपल हु आर कंप्लीटली योर्स, यू कैन ट्रस्ट ऑन देम. तो कुछ वो लोग भी ध्यान रखते हैं. आई थिंक सो दीज थिंग्स मैटर. यहाँ पे पहले अगर आप गिरते हो तो कोई देखता नहीं, जब आप कुछ बनते हो और गिरते हो तो दुनिया देखती है, हंसती है, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क डालती है, आपके वर्क ऊपर क्वेश्चन मार्क. हर एक इंसान क्लॉज के साथ है, वल्नरेबिलिटी के साथ है, हर एक इंसान कहीं ना कहीं दुखी है. एट ऑल ईजी टू कनेक्ट विद ईच एंड एवरी थिंग. ये हो जाते हैं कि पढ़ना रोज पॉसिबल नहीं है, तो ऑडियो बुक कहीं से मैं हमेशा टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, बट जब भी निकाल पाता हूँ लाइफ को लेकर थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है. एक लाइफ में होता है, बट एक यू नो आप जब गाड़ी नया नया चलाना सीखते हो तो थोड़ा डर लगता है. ये हमेशा हम लोग लाइफ को लेकर होते हैं, जब सीख जाते हो स्कूल भी चलाते ध्यान अर्जित कर लोगे तो ये होता है. तो मुझे लगता है कि कोई बने ना उनकी तरफ, न कोई माने कि कोई है उनकी तरफ, वो एक ही है श्री कृष्ण. उनसे जितना हो सके ज्ञान सीखो लाइफ में. देखिए मैं किसी को ऐसा झूठी आशाएं तो नहीं दे सकता, बट ऐसा कोई ऐसा कुछ मैटर नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके अगर कहीं ऐसा कुछ शो आता है जहाँ पे मी एंड सिद्धार्थ वी ऑल हैव टू कोलैब, डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो विल डिनर, आई डोंट थिंक सो विल डिनर. आई थिंक सो इतने साल बाद साथ में आएंगे एक दूसरे के, बिकॉज आई थिंक सो उसके साथ बहुत एक हम सेट पे हमारे बीच में बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन होती है जिससे हम दोनों की ग्रोथ होती है, टू परफॉर्म बेटर 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 बेटर, और इसमें हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. There's passion in Siddharth and I love it. What would you like to say to your fans? To all my fans, I just love you guys. Thank you so much. Lots of love to you.